तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों को एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो वीवो प्रो कबड्डी लीग है, इसका भाई आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट का 20वां मैच जो कि खेला जाएगा यूपी योद्धा वर्सेज गुजरात जायंट्स के बीच में। तो बात करेंगे दोनों ही टीम्स की भाई, तो दोनों ही टीम्स की परफॉर्मेंस इतनी कुछ खास यहाँ पर टूर्नामेंट में रही नहीं है, मतलब एवरेज ही परफॉर्मेंस आप दोनों ही टीम्स की मान सकते हो। जहाँ पर यूपी ने भाई अपने पहले मैच में पटना को हराया था उसके बाद भाई पूरी तरह से बिखरा हुआ यहाँ पर यूपी का जो मतलब डगआउट है वो लग रहा है और भाई कुछ भी यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं आई है। लेकिन भाई यहाँ से अगर बात करें, देखो यहाँ पर रेडर है ना, जो मेन रेडर है वो भाई यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ पर आपके लिए भाई राकेश नरवाल इंपॉर्टेंट रहेंगे, लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ऊपर से बात करें तो भाई प्रदीप नरवाल सिर्फ एक ही मैच में चले हैं जो भाई आप देख सकते हो, उसमें मतलब इन्होंने पॉइंट लिए। इसके अलावा भाई यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी दोनों मैच में भाई पूरी तरह से फ्लोप रहे हैं। तो अगर प्रदीप नरवाल भाई आज नहीं चलता है ना, तो आपके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैच जा सकता है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कुछ रिस्क लेने को बोलूँगा, लेकिन भाई वो रिस्क आप तभी लेना जब आप पूरे एग्री कर जाओ। लेकिन उससे पहले भाई बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स की, मतलब जो फाइनल टीम है वो मैं आपको देने वाला हूँ अभी डेमो टीम, लेकिन भाई फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। और भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। पहले मैच की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो मे बी भाई आपको ये वीडियो मिले तब तक शायद पहला मैच स्टार्ट हो चुका होगा, क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और फिर इसमें टाइम लगेगा थोड़ा बहुत अपलोड होने में भी, और भी काफ़ी सारे काम करने होते हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं भाई इसी मैच की, यूपी योद्धा और गुजरात जायंट्स के कुछ प्रीवियस मैचेज की। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखो ऊपर की साइड से अगर बात करें तो यूपी योद्धा ने भाई पहला मैच अपना बंगाल वॉरियर्स के अगेंस्ट में खेला था, जो भाई ये बुरी तरह से हार के आए थे, ठीक है। तो प्रदीप नरवाल की बात करें तो यहाँ पर आप देखो टोटल भाई 8 पॉइंट लिए थे इन्होंने, ठीक है, पहले मैच में। भाई अगर बात करें दूसरे मैच में इनके अलावा जो दूसरे रेडर है सुरेंद्र गिल, भाई 3 टच पॉइंट, 2 बोनस पॉइंट, टोटल 5 पॉइंट लिए। रोहित तोमर ने भाई 1 पॉइंट लिया रेड का, 3 बोनस पॉइंट। इसके अलावा भाई जो इनका डिफेंस है ना, उसने भाई इस मैच में काफ़ी अच्छा काम किया था। नितेश कुमार ने भाई पर 3 टैकल पॉइंट लिए, आशू सिंह ने यहां पर 3 टैकल पॉइंट लिए, शुभम कुमार ने भाई 2 पॉइंट लिए, इसके अलावा सुमित ने 1 पॉइंट लिए, और यहां से श्रीकांत यादव भाई पूरी तरह से फ्लोप रहा था। बात करें अगर इनके दूसरे मैच की, तो थोड़ा सा नीचे अगर हम चलेंगे तो आपको इनका दूसरा मैच दिखेगा यहां पर, जो पटना पायरेट्स के अगेंस्ट में था, उसमें भाई इन्होंने बिल्कुल क्लोज मुकाबले में पटना को हराया था सिर्फ 1 पॉइंट से। इसमें भाई प्रदीप नरवाल ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, यहाँ पर 12 पॉइंट टोटल लिए थे, सुपर 10 कंप्लीट किया था, नो रेड मतलब नो टच पॉइंट, और भाई 3 यहाँ पर बोनस पॉइंट लिए थे। इसके अलावा बात करें तो सुमित की 5 भाई टैकल पॉइंट, आशू सिंह की बात करें तो अगेन 3 टैकल पॉइंट, श्रीकांत यादव भाई यहाँ पर 3 टच पॉइंट लेके गए थे, इसके अलावा सुरेंद्र किल भाई यहाँ पर फिर से 3 पॉइंट लेके गए, गुरदीप ने यहाँ पर 2 टैकल किए। इसके अलावा यहाँ से अगर बात करें तो रोहित तोमर फ्लोप रहे थे। रोहित तोमर भाई आपके लिए इस मैच में काफ़ी बड़ी डिफरेंशियल पिक होने वाला है, आगे मैं बताऊंगा रीजन कि ये आपके लिए इतना बड़ा डिफरेंशियल पिक क्यों होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इनके तीसरे मैच की, तो नीचे अगर आप चलोगे तो इनका तीसरा मैच आपको यहाँ पर दिखेगा, जो भाई इन्होंने जयपुर पिंक पैंथर के अगेंस्ट में खेला था, और भाई ये मैच ही हार के आ रहे हैं। तो यहाँ से देखो रोहित तोमर भाई सब्स्टिट्यूट होकर आए थे, 5 टच पॉइंट लेके गया, 1 टैकल भी किया, और वहाँ पर 1 बोनस पॉइंट, तो यानी कि बेहतरीन परफॉर्मेंस ये आपके लिए देखे गए है, और भाई आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर परफॉर्मर हो सकता है, तो आप इसको ट्राई कर लेना। सुरेंद्र गिल की बात करें तो भाई 7 यहाँ पर टच पॉइंट लिए, 3 बोनस पॉइंट लिए, टोटल 10 पॉइंट लिए। प्रदीप नरवाल भाई सिर्फ 3 पॉइंट ले पाए थे इस मैच में। श्रीकांत यादव की बात करें तो भाई इन्होंने भी 1 पॉइंट लिया। इसके अलावा भाई यहाँ पर जो इनका डिफेंस है वो बिल्कुल नहीं चला, नीतीश कुमार ने जरूर 2 टैकल किया, इसके अलावा सुमित ने सिर्फ 1 टैकल किया, और फेल टैकल काफी ज्यादा थे इनके। आशु सिंह ने भाई यहाँ पर सिर्फ मतलब खेले खेले थे, बाकी कुछ ही परफॉर्मेंस उनकी रही नहीं थी। तो अब यहाँ पर अगर बात करें जो दूसरी टीम है इनके अगेंस्ट में गुजरात जायंट्स की, तो गुजरात के अगर मैचेस की बात करें तो यहाँ पर देखो ऊपर चलता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ गुजरात के मैचेस। तो यहाँ पर गुजरात की बात करें तो पहले मैच में भाई उन्होंने जयपुर पिंक पैंथर को बुरी तरह से हराया था। यहाँ पर भाई जो इनके हीरो रहे थे वो रहे थे भाई गिरीश अर्नेक, 7 टैकल पॉइंट, मतलब कि ये मान लो कि सामने वाले रेडर्स को चलने ही नहीं दिया। तो गिरीश अर्नेक आपके लिए एक बेहतरीन प्लेयर होने वाला है, अगर भाई इसका दिन हुआ ना तो आपको काफ़ी अच्छी पॉइंट दे जाएगा। राकेश नरवाल भाई टीम का मेन रेडर, 7 पॉइंट लेके गया था। इसके अलावा नीचे एक साइड अगर बात करें तो राकेश सुंगोरिया ने भी यहां पर 5 पॉइंट लिए थे, परवेश ने यहां पर भाई 3 टैकल पॉइंट लिए, इसके अलावा प्रदीप और रविंदर पहल दोनों ने 1-1 टैकल पॉइंट लिए। रविंदर पहल की भाई फॉर्म अब थोड़ी सी वापस आने लगी है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो
नीचे की साइड अगर आप चलोगे तो यहाँ पर भाई दूसरे मैच में भाई ये यहाँ पर बंगाल वॉरियर्स से हार के आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो राकेश नरवाल ने भाई 12 पॉइंट निकाले। इसके अलावा यहाँ से नीचे की साइड अगर आप बात करोगे तो यहाँ से भाई राकेश संगरिया ने यहाँ से फिर से 4 पॉइंट निकाले। रविंदर पहल भाई मैं बता रहा फॉर्म वापस आने लगी है, 3 टैकल पॉइंट। परवेश ने फिर से एक, रतन के ने भाई एक टैकल पॉइंट लिया। इसके अलावा भाई महेंद्र गणेश राजपूत भाई इनकी फॉर्म काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भाई मतलब वीक दिख रही है और ये एक ऐसी वीक कड़ी है इस टीम की जो मतलब इनको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, अदरवाइज भाई ये इस टूर्नामेंट में ज्यादा टाइम नहीं टिकने पाएंगे। ग्री सिरनेक का भाई दिन अच्छा नहीं था, सिर्फ एक ही टैकल पॉइंट लिया और भाई फेल्ड टैकल इनके काफी ज्यादा हो गए थे। भाई अगर बात करें इनके तीसरे मैच की तो तीसरे मैच में भाई ये दबंग दिल्ली के साथ टाई करके आ रहे हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर भाई राकेश सिर्फ एक पॉइंट से अपने सुपर 10 से पीछे रह गए थे। इसके अलावा भाई यहां से अगर देखो ग्रीस इरनेक ने सिर्फ पहले मैच में परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद लगातार दो मैच में फ्लॉप हो चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट डिफेंडर होगा आपके लिए, जरूर ट्राई कर लेना। रविंदर पहल ने भाई यहाँ से एक मतलब कहाँ पे गया भाई रविंद्र पहल, ये भाई रविंद्र पहल ने यहाँ पर एक टैकल पॉइंट लिया। यहाँ पर अगर बात करें मैंने महिंद्रा गणेश राजपूत की तो इन्होंने 2 पॉइंट लिए। राकेश संगोरिया भाई लगातार एवरेज परफॉर्मेंस मतलब एक अंडर रेटेड प्लेयर की तरह आता है भाई, 5-10 पॉइंट लेके चला जाता है, काफ़ी अच्छी सेफ पिक आपके लिए हो सकता है। सुनील कुमार ने भाई यहाँ पर 4 टैकल निकाले थे। अब बात करेंगे भाई दोनों ही टीम्स की, यहाँ पर मैं आपको ड्रीम इलेवन पर टीम बना के दिखाने वाला हूँ, लेकिन भाई आपको बता दूँ फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। स्टार्टिंग 7 आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर भाई अगर बात करें डिफेंस की तो यहाँ पर देखो गिरीश को आप ट्राई कर सकते हो, काफ़ी बड़ी डिफरेंशियल पिक पहले मैच में हमारे लिए रहे थे। आप यहाँ पर देखोगे सिर्फ 27% सेलेक्शन था और ये हमारी टीम में थे, एक तरफा विनिंग हमने की थी भाई पहले दिन, मतलब स्टार्टिंग के 2 दिन तो हमारे लिए कबड्डी में इतने अच्छे रहे थे, उसके बाद भाई बीच में एक दिन एवरेज भी आया था। यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि देखो क्रेडिट इशू आपको काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। आशु सिंह आपकी टीम में होना चाहिए, सुमित आपकी टीम में जरूर होना चाहिए। इसके अलावा भाई नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ आपको इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेगा नहीं। तो अभी हम देखो ऊपर के इन चारों में से किसी एक को ट्राई करने वाले हैं, वो भाई हम क्रेडिट के ऊपर डिपेंड करेंगे क्योंकि क्रेडिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहां से एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो, प्रदीप नरवाल को आप ड्रॉप कर सकते हो इस मैच में क्योंकि भाई फॉर्म इनका साथ दे नहीं रही है, लेकिन भाई ये पासा आपके लिए उल्टा भी पड़ सकता है क्योंकि सामने वाले जो आपके ओपोनेंट आएंगे उनकी टीम में प्रदीप कैप्टन भी होगा, वॉइस कैप्टन भी होगा और टीम में तो एटलीस्ट भाई सभी की में होगा। तो अगर आप देखो रिस्क लो तो भाई ये आप अपने ऊपर लेना, मेरे ऊपर मतलब बिल्कुल भी ये मत बोलना बाद में आके कि भाई आपने लॉस करवा दिया, बट भाई ये मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, आप अगर चाहो तो यहां पर रिस्क ले सकते हो। यहां पर एस गिल को आप ट्राई कर सकते हो, देखो प्रदीप के बराबर के पॉइंट यहाँ पर निकाल के दे रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो आपको 14.5 क्रेडिट में मिल जाएगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ से रह सकता है। इसके अलावा नीचे कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर मेरे को दिखा नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो यहाँ से देखो आप सुनील कुमार के साथ जा सकते हो, बेहतरीन प्लेयर आपके लिए रहेगा। यहाँ पर अगर बात करें राकेश संगोरिया की तो ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रह सकता है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा भाई नीचे की साइड अगर आप आके बात करोगे तो शुभम कुमार आपके लिए बेहतरीन प्लेयर रह सकता है, अगर स्टार्टिंग 7 में होता है तो शुभम कुमार के साथ हम जाएंगे, लेकिन भाई अभी मैं जा रहा हूँ ऐसे राकेश संगोरिया के साथ। अब देखो यहाँ पर भाई आप काफ़ी अच्छा अपना मतलब क्रेडिट मैनेज करके काफ़ी अच्छी आप अपनी टीम बना सकते हो, ठीक है। अब आपके पास है 31 पॉइंट जिसमें आप गिरीश मारुति अर्नक को ले सकते हो। इसके अलावा भाई आप यहाँ से देखो नरेश कुमार को लेते हो तो आपके पास 1 क्रेडिट बचेगा। फिर भाई देखो अब आप यहाँ से ऊपर से एस के साथ जा सकते हो, महेंद्र सिंह राजपूत भाई बिल्कुल खराब फॉर्म से गुजर रहा है, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बेहतरीन प्लेयर वैसे आपके लिए होने वाला है, एक बड़ी डिफरेंशियल पिक आपके लिए हो सकता है। तो अभी के लिए पर मैं एस गिल के साथ ही जा रहा हूं, आप अगर चाहो तो ऊपर से इन दोनों में से किसी को ट्राई कर सकते हो, यह इतने क्रेडिट आपके पास अभी मैंने अवेलेबल करवा रखे है। इसके अलावा आप अगर चाहो तो सुमित को ड्रॉप करके आप ऊपर से आशु सिंह के साथ जाना चाहो तो जा सकते हो, बट भाई मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा ये, तो अभी मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट टीम होने वाली है। आप एक बार बात कर लेते हैं जहां पर आपको क्रेडिट इशू बिल्कुल नहीं आएगा, 11 चैलेंजर्स एप्लीकेशन पर, यहां पर भी मैं आपको टीम बना के दिखा देता हूं एक बार। तो यहाँ पर अगर देखो बात करें तो यहाँ पर नीतीश कुमार आपकी टीम में रहेंगे। इसके अलावा नीचे की साइड आप चलोगे तो सुमित को आप अपनी टीम में ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ से गिरीश अर्नेक और रविंदर पहल, ये चारों आपके लिए बेहतरीन प्लेयर होने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ से तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपके लिए मेरे हिसाब से सुनील कुमार सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा भाई अगर आप चाहो तो आप यहाँ से ट्राई करना चाहो तो आप यहाँ से भाई ट्राई कर सकते हो राकेश संगोरिया को, बट मैं अभी ट्राई नहीं करने वाला। बात करें अगर यहाँ से देखो रेडिंग सेक्शन की तो ऐसे प्रदीप नरवाल हमारी टीम में रहेगा और राकेश नरवाल हमारी टीम में रहेगा, ठीक है, ये हमारी बेस्ट टीम बन जाएगी। आप यहाँ से कैप्टन वॉइस कैप्टन की बात करें तो आप कैप्टन बना सकते हो राकेश नरवाल को, वॉइस कैप्टन दे सकते हो प्रदीप नरवाल को, या फिर आप इन्हें रिवर्स भी कर सकते हो। इसके अलावा भाई मेरे को लग रहा है कि आज रविंदर पहल आपके लिए एक बेहतरीन पिक साबित हो सकता है, तो रविंदर पहल को अगर आप वीसी देना चाहो तो आप दे सकते हो। बाकी अभी के लिए मैं रविंदर पहल को ही वीसी दे रहा हूँ,
मतलब अपनी टीम में थोड़ा सा, मतलब मैं ये मान लो कि रविंद्र पहल की तरफ थोड़ा सा झुकाव कर रहा हूँ, तो ये चीज आप देख लेना। बाकी भाई फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, अभी के लिए भाई आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ड्रीम इलेवन की बात करें तो ड्रीम इलेवन पर भाई आपको सीवीसी थोड़े अलग रखने पड़ेंगे। यहाँ पर भाई आप कैप्टन बना लेना राकेश नरवाल को। वॉइस कैप्टन की बात करें तो या तो आप सुनील कुमार के साथ जा सकते हो, एक बेहतरीन पिक आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा भाई यहाँ से देखो गिरीश मारुति अर्नेक आपके लिए थोड़ा सा सेफ भी रहेगा, और अगर परफॉर्मेंस देता है तो भाई आपके लिए जैकपॉट भी साबित हो सकता है। तो ये काम आप कर सकते हो। अभी के लिए भाई मैं ये टीम सेव कर रहा हूँ ड्रीम इलेवन पर, या फिर आप उन प्लेटफॉर्म पर इस टीम के साथ जा सकते हो जहाँ पर क्रेडिट इशू आने वाला है। बाकी फाइनल टीम मैं टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके भाई सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।